hack it. What's up guys, I'm back here with a new video and this video is again about Redmi Note 3. जी हाँ, कल रात मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी MIUI 8 6.9.9 के बारे में, जो कि मुझे हाल ही में अपडेट मिला अपने फ़ोन में और जो है वो अपग्रेड हो गया 6.0.1 Marshmallow वर्जन में। खैर ये तो जो न्यूज़ था काफ़ी अच्छा न्यूज़ था, क्योंकि ये लॉलीपॉप में काफ़ी वर्जन्स में रन कर रहा था, 7 में भी और 8 में भी, लेकिन जैसे इसमें आया तो कई सारे फ्रिक्वेंसी आस्क क्वेश्चंस भी घिर गए कि इसे मुझे अपडेट करना चाहिए या नहीं। तो इसको एक दिन पूरा टोटल यूज़ करने के बाद जो मैंने अपनी तरफ से नोटिस किया है, इसका जो है सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन काफ़ी चेंज हो गया है। काफ़ी चेंज मतलब जो सेटिंग्स के अंदर जितने आइकन्स हैं, थोड़े बहुत रिकॉर्डिंग फंक्शन में इनके आइकन्स ज़्यादा चेंज हुए हैं, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रोटेशन की, गेम्स लैगिंग की, वो जो है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। शायद लॉलीपॉप के फ्रेमवर्क में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो रोटेशन प्रॉब्लम और गेम लैगिंग के इश्यूज़ जो थे बार बार आते रहते थे, लेकिन अब वो आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर आप 6.0.1 में अपडेट कर देते हैं इसके लेटेस्ट डेवलपर ऑप्शन में। खैर अभी तो इसका स्टेबल वर्जन Marshmallow में आया नहीं है, लेकिन अगर आप Marshmallow अपडेट चाहते हैं, सिंपल वीडियो को देख लीजिएगा जो मैंने कल रात पोस्ट की है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ काफ़ी कुछ इश्यूज हैं लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, मेरा ये फेवरेट गेम है BIA3 ब्रदर इन आर्म्स एक्शन गेम, जिसमें जो था लैगिंग इश्यूज काफ़ी आते थे, चाहे स्नैपड्रैगन 650 का फ़ोन होते हुए भी इसमें जो था मतलब इस तरह से चलता था जैसे कोई थर्ड क्लास फ़ोन ले लिया मैंने, लेकिन अब जो है आपको Marshmallow में अपडेट करने के बाद वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हीटिंग की बात करें, स्क्रीन के सबसे फ्रंट साइड में इस जगह पे बहुत हीटिंग होती है और फ़ोन के बैक साइड में जो है वो भी काफ़ी हीटिंग इश्यूज होती है इस एरिया और इस एरिया में। और जो है इसके साथ जियो की सिम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, शायद वो OLT नेटवर्क का प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन जो है एयरटेल की 4G सिम वो LTE नेटवर्क पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, तो शायद जियो के नेटवर्क में ही प्रॉब्लम होगा, मुझे पता नहीं। खैर एयरटेल का जो है अच्छी तरह से इसके साथ काम कर रहा है। तो यही जो कुछ थे माइनर चेंजेस इसमें किए गए हैं, लेकिन जो है परफॉर्मेंस के टर्म में अगर आप देखें, स्पीड के इश्यूज़ कोई से भी नहीं है, बस जो इश्यूज़ है उसकी हीटिंग का है और बैटरी गर्म हो जाना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप डेवलपर ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं या स्टेबल। खैर अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लीजिएगा स्टेबल वर्जन में Marshmallow के लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते वेट, स्पीड डिवाइस चाहिए तो इसके लिए आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं, बस जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो।